यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गेहूं खरीद कर रही एजेंसियों की बैठक बुलाई है। जी हां, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। गेहूं खरीद इन दिनों चल रही है अनाज मंडियों में, और प्रदेश में गेहूं खरीद के दौरान हो रही बारदाने की कमी, उसको लेकर के बातचीत होगी। शाम 5 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गेहूं का उठान न होना और दूसरे राज्यों की गेहूं के कारण मुश्किलें पैदा होना, ये भी उस बैठक में एक मुद्दा रहेगा, एक चर्चा का विषय रहेगा। और खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज भी इस बैठक में खासतौर से मौजूद रहेंगे, क्योंकि खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज, तो उनका होना वहां लाजमी है। और साथ ही गेहूं खरीद कर रही सभी एजेंसियां जो हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। किसानों को आ रही दिक्कतों और किसानों की तरफ से लगाए जा रहे जो इल्जाम हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर ज्यादा अपडेट के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता कुमार रमेश। रमेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मनोहर लाल खट्टर ने आज बैठक बुलाई है गेहूं खरीद कर रही एजेंसियों के प्रतिनिधियों की। देखिए, फिलहाल 70 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं खरीद हो चुकी है, और सरकार का जो आंकड़ा था वो लगभग 80 लाख के करीब था जी। 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी और खरीदनी है सरकार ने, और उससे ज्यादा भी जो गेहूं आएगी वो भी सरकार परचेज करेगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बारदाने की व्यवस्था थी वो सरकार अभी पूरी तरीके से पूरी नहीं कर पा रही है, और जो क्योंकि ये माना जा रहा था कि गेहूं की जो बंपर पैदावार हरियाणा में हुई है जी, और उसके साथ लगते जो दूसरे राज्य हैं, अड़ोसी पड़ोसी राज्य, वहां से भी गेहूं की आवक बहुत तेजी से हुई। कुछ व्यापारियों ने नाकों पर साठ गांठ करके आसपास की लगती मंडियों में गेहूं की खरीद करवाई, और वो गेहूं की खरीद दूसरे राज्यों की थी, जिसको लेकर के अब वहां पर नाके लगा दिए गए, कड़ा प्रबंध कर दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन जो गेहूं खरीदी जा चुकी दूसरे राज्यों की, उसके मुकाबले जो हरियाणा की और भी गेहूं खरीदनी थी, उसके लिए बारदाने की कमी हो रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एजेंसियों को बुलाया कि जो खरीद एजेंसियां हैं वो आए और उनसे बातचीत करेंगे, और जिस प्रकार का भी निर्णय निकलता है उनका उस हिसाब से आदेश देंगे। और ये माना जा रहा है कि 80 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं खरीदने का लक्ष्य था, उससे भी अधिक गेहूं की खरीद की जाएगी, क्योंकि अभी हरियाणा का जो अपना कोटा है वो पूरा नहीं हो पाया है, और इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि एक बार बैठक बुला करके सबको आदेश करेंगे कि आप बारदाने की व्यवस्था और करें, ताकि हरियाणा का कोई ये किसान ना कह पाए कि सरकार ने इसकी गेहूं की खरीद नहीं की जी। इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार रमेश।